करती नजर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बहराइच में बवाल के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देखिए, जानकारी मिल पा रही है कि बवाल बढ़ने पर बहराइच के महसी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। युवक की हत्या के बाद आज वहां पर प्रदर्शन हिंसक हो गया था और लोगों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब वहाँ इंटरनेट सेवा पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, अफवाहों से बचना है, ये कहीं ना कहीं संदेश जो है वो दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। किसी भी तरह की अफवाह पर आप विश्वास ना करें, शांति बनाए रखें, ये अपील लगातार जो है हम भी कर रहे हैं और वहां पर प्रशासन जो है वो भी लोगों से यही अपील कर रहा है। क्योंकि देखिए, उत्पात किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवी मचाते हुए नजर आ रहे हैं, बेकाबू भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। गाड़ियां देखिए किस तरीके से आग के हवाले कर दी गई है। ये पूरा महसी इलाका जो है वो फिलहाल सुलगता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, बहराइच में फिलहाल अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बवाल बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविवार के दिन यानी कि कल वहां हिंसा हुई थी, एक युवक की जान चली गई थी और आज जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, लगातार गुस्सा है। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस बीच आग में कार में आग, दुकान में आग, अस्पताल में आग, शोरूम तक को फूंक दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती वहां नाकाफी साबित हो रही है। लोगों को समझाने की कोशिशें की जा रही है लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। उनके सामने जो कुछ आ रहा है वो सबको आग के हवाले करते जा रहे हैं। तो देखिए, दरअसल मूर्ति विसर्जन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन